Hello students, this is Anupama Labhe and I am here for the subject secretarial practice. And in my today's lecture, I am going to explain the meaning and the procedure related with e-governance and e-filing. So let us start with our today's lecture. क्या होती है e-governance, क्या होता है e-filing, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं. गवर्नेंस यानी क्या है, जो अच्छे से जो गवर्न कर सके, हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है जो स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उसे जो अच्छे से गवर्न करता है, दैट इज नोन एज गवर्नेंस. यहाँ पे हम लोग जो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं वो ई गवर्नेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के थ्रू चलाने वाला एक प्रोग्राम है. ये एक इनिशिएटिव है विच इज़ टेकन बाय द MCA, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इन द 21st century. MCA 21 stands for e-governance initiative of MCA of the 21st century. देखिए ये 21st century से related होने के वजह से ये जो initiative है corporate affairs का, उसी को नाम ही उन्होंने दे दिया है MCA 21. The project MCA 21 is named as it aims at repositioning MCA as an organization capable of fulfilling the aspirations of its stakeholders in the 21st century. ई गवर्नेंस क्या होता है, यह हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. आज अभी हम लोग सिर्फ ई गवर्नेंस के बारे में और ई फाइलिंग क्या होती है ये देख रहे हैं. तो इसका जो एम है, दैट इज प्रोजेक्ट नेम विच इज नेम्ड एज MCA 21, ये क्या चाह रहा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है जो कैपेबल हो. किस लिए कैपेबल हो, जैसे जो स्टेक होल्डर्स है 21st century के, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल करने के लिए ये बनाया गया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है 21st century की, जैसे कि देखिए हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है वो कम है. फिर हम लोगों को जो चक्कर काटने पड़ते थे पहले ऑफिसेस में, जैसे कि मुझे कोई फॉर्म सबमिट करना है तो मुझे ऑफिस में जाना पड़ता था, उसी के पास जाना पड़ता था, वहाँ पे फिर मेरी फाइल ये हुआ नहीं है, वो हुआ नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट है, ये करके रिजेक्ट हो जाती थी, फिर से मुझे बनाना पड़ता था, फिर से वो लाइन में लगो, फिर से अगर कुछ कमी रह गई तो फिर से उसे चेंज करो. तो ये जो सब कुछ चीज़ें हैं उसे मिनिमाइज़ करना था. तो ये मिनिमाइज़ कैसे हो सकता है वो देखते हैं. ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द गवर्नमेंट functioning in order to bring about simple, modern, accountable, responsive and transparent governance. तो ये सब कुछ इसे स्मार्ट कहा जाता है. ये सिंपल है, यानी जो प्रोसेस से पहले ये लाओ वो लाओ अभी कुछ नहीं है, एक फॉर्म है उसे फिलअप करना है, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स रहते हैं, कुछ ऑप्शनल फील्ड रहते हैं. जो मैंडेटरी है, जब तक कि आप उसे फिल नहीं करते आप आगे नहीं जा सकते हो. वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या आपको सबमिट करने हैं इसके बारे में भी बताया जाता है, नहीं तो ऑफलाइन में जैसे आप जाते थे तो अभी आज आपने ये नहीं लाया इसलिए रिजेक्ट होता था, तो ये कुछ नहीं होगा. तो ये सब कुछ ये जो ई गवर्नेंस है प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे क्या कहा है, स्मार्ट कहा है. दिस प्रोजेक्ट ऑफ MCA aims at moving from paper based to nearly paperless environment. तो ये जो है, पहले पेपर बेस्ड होती थी हमारी पूरी के पूरे काम जो हम लोग आरओसी के पास जाते थे, लेकिन अब ये ज़्यादातर फोकस कर रहा है कि पूरे के पूरे जो काम हो कंपनी के, एक कॉरपोरेट के, वो कैसे हो, पेपरलेस एनवायरनमेंट. तो स्मार्ट यानी क्या है, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस. चलो नेक्स्ट देखते हैं. द प्रोजेक्ट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द की स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज. अभी ये जो भी हम लोग की जो इंटरेस्टेड है उस उन सभी का जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट बनाया गया है. ऑल्सो प्रोफेशनल नीड्स no longer to visit the officer of or ROC and are able to interact with the ministry using MCA 21 portal from their office or home. अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आपको there is no need to stand in a long queue, ज़रूरत नहीं है आपको आप खड़े रहने की, या फिर आपका टाइम वेस्ट करने की, या फिर हो सकता है कि आपके ऑफिस से या आपके घर से ROC का जो ऑफिस है बहुत दूर है, हो सकता है कि दूसरे शहर में भी हो, तो
तो ऐसे इसमें आपको हरदम वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे या आपके घर में बैठे बैठे भी वो काम अभी कर सकते हो। द सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ MCA 21 विल बी ई फॉर्म ड्राइव। तो ये कैसी हो गई है अभी आपकी सर्विस, ई फॉर्म ड्राइव, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आपको जो भी फिल करना है वो आप कर सकते हैं, जो भी इंक्वायरी आपको करनी है वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके कर सकते हो। सिर्फ आपको कहाँ पे जाना है, MCA 21 पोर्टल पे जो उनकी जो साइट बनी हुई है वहाँ पे जाना है और आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो है वहाँ से लेनी है, जो फॉर्म आपको फिल करना है वो भी वहाँ से लेना है। एक तो वो फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हो या ऑफलाइन भी, जैसे कि वो जो अपलोड किया हुआ फॉर्म है उसे पहले डाउनलोड कीजिए, उसकी प्रिंट ले लीजिए, उसे फिल कीजिए और फिर बाद में वहाँ पे आप उसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ई गवर्नेंस इज द इंटरेक्शन यूजिंग इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी दस रिड्यूसिंग टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व। बराबर है, ये टेक्नोलॉजी किसका यूज़ करी, इंटरनेट का, तो यहाँ पे आपका वक्त भी कम हो रहा है और आपको कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लग रही है। ई गवर्नेंस एनहांसेस द सिटीजन्स एंड बिजनेस एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड्स न्यू वेज टू इंक्रीज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये क्या हो रहा है कि आपका ओपन डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, जो भी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए है, जो भी वहाँ से सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो आप आसानी से देख सकते हो। देन व्हाट इज़ ई फाइलिंग, अब क्या है, जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन पूरी दी है, उन्होंने फॉर्म्स भी अपने अपलोड किए हैं, आपको ये भी बताया है कि इसके लिए ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, उसके लिए वो प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। तो जब आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना है, जब वो आप वो फिल करके सबमिट करते हो, दैट इज़ नोन एज ई फाइलिंग। लेट अस सी सेक्शन 398 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर फाइलिंग, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस, फॉर्म्स एक्सेट्रा थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि किस तरह से आपको उसको फाइल करना है, फिर मेंटेन किस तरह से करना है, उसे कौन से एप्लीकेशन से फॉर्म से उसका इंस्पेक्शन कैसे होगा, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। देखिए जैसे कि समझ लीजिए, आप ई फॉर्म है वो आप भर रहे हो और आपकी कुछ गलती हो जाती है, तो तुरंत आपने अगर कोई फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन तो आपको पता चलता होगा कि यहाँ पे मिस्टेक बता रहा है वो, बराबर है, रॉन्ग फिल्ड करके आता है आपको, तो ये तुरंत ही क्या हो जाता है, उसके इंस्पेक्शन भी वहाँ पे हो जाता है। ई फॉर्म कंटेन्स सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स, तो स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स भी होते हैं। ईच ई फॉर्म कंटेन्स द फॉर्म रेफरेंस एंड द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट और द रिलेवेंट रूल्स और रेगुलेशंस अंडर विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिट। मैंने बताया है कि किस तरह से आपको उसको सबमिट करना है। इट स्टार्ट्स विद द CIN, व्हाट इज CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, विच वर्क्स एज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एन इंडियन कंपनी एंड द फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन। जैसे कि देखिए, आप अपना ईमेल आईडी, जब आपको किसी को ईमेल भेजना है तो आप आइडेंटिफाई कैसे हो जाते हैं कि आपके थ्रू आया हुआ है, क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी है वो सिर्फ आपका ही रहता है, उस तरीके किसी और का नहीं रहता है। वैसे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर एक कंपनी को उनका अलग अलग नंबर दिया जाता है और उसी से वो आइडेंटिफाई होते हैं कि ये जो फॉर्म है जो सबमिट किया गया है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिट किए गए हैं वो पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से आए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्टर। By entering the CIN, the company details to the extent these are available in static form in the database are automatically filled in by the sign and pre-fill functionality. यानी जैसे ही कि आप उसे भरने के लिए जाते हो, आप अपना नंबर डाल देते हो तो जो पहले का भरा हुआ है वो अपने आप वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये जो है आपके कॉरपोरेट यानी आपकी जो कंपनी है उसके बारे में फुल डिटेल्स वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। देन देखिए, फीचर्स ऑफ एन ई फॉर्म एंड ई फाइलिंग, क्या फीचर्स है उसके ये देखते हैं। द ई फॉर्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ मैंडेटरी फील्ड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन।
कुछ मैंडेटरी फंड्स होते हैं जो कि आपको कंपलसरीली भरनी है, सर्टन अदर फंड्स आर नॉन मैंडेटरी इन नेचर विच मे बी फिल्ड इन एज मे बी रिलेवेंट इन एनी पर्टिकुलर केस। हो सकता है कि वो आपसे रिलेटेड होगी, रिलेवेंट होगी, तो आपको उसे भरना है, तो ऐसे फंड्स को कहा जाता है नॉन मैंडेटरी, भरो या तो नहीं भरो। An instruction kit is available for each e-form which contains details of the instruction for properly filing the e-form. Instruction kit दी जाती है। Instruction kit का मतलब क्या होता है? एक tool है जो आपको available किया जाता है जब आप e-form भरते हो, तो उसमें details दिए रहते हैं कि आपको किस तरह से उसे properly fill करना है। An e-form may be filled in either online or offline. आप उसके online भी कर सकते हो या offline भी आप उसे submit कर सकते हो। An e-form may require certain mandatory attachments to be filed along with it. देखिए कुछ जैसे documents जरूरी होते हैं वो आपको वहाँ पे फाइल करने हैं जब आप अपना e-form जो है वो submit करते हैं। Optional attachments may also be filed with an e-form. The list of such attachments is displayed in the e-form. क्या क्या आपको अटैच करना है इसकी भी लिस्ट डिस्प्ले की जाती है, और उस तरह से कुछ मैंडेटरी जो कि आपको भरना ही फाइल करना ही करना है, और कुछ ऐसे रहते हैं कि जो ऑप्शनल भी है, अगर आपसे रेलेवेंट है तो आप उसे करोगे, अदरवाइज आप उसे उसके साथ अटैच नहीं करोगे। Next to attachments, there is a declaration that is sought from the person filing the e-form to the effect that the information given in the e-form and attachment is correct and complete. देखिए आजकल कुछ भी आप जो देते हो तो declaration देना आपके लिए जरूरी होता है। Even though if you want to fill the admission form, even though you have to give your declaration, बराबर है? अभी आपने वैक्सीन भी लिया होगा तब भी आपको declaration form भर के देना है। तो ये जो होता है, जहाँ जहाँ पे भी जरूरी है वहाँ वहाँ पे जो पर्सन ई फॉर्म को फाइल कर रहा है उसे वो डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द ई फॉर्म्स रिक्वायर द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी फॉर सक्सेसफुल फाइलिंग और सबमिशन। कई बार इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि आपको वहाँ पे ज़रूरी होता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी जो भी हो उनकी डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे होनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए कहा गया है आजकल कि हर एक जो अथॉरिटीज़ है उनके अपने खुद के डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। फर्दर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ अ थर्ड पार्टी में अल्सो भी रिक्वायर्ड इन सर्टन केसेस। सिर्फ ये जो कंपनी से रिलेटेड है उनकी नहीं, तो बाहर के भी लोगों की डिजिटल सिग्नेचर कई केसेस में ज़रूरी रहती है। जैसे कि अगर कोई आपने मॉडिफिकेशन किए हुए हैं चार्जेस में, तो ऐसे इसमें आपने जो बैंक्स के डिटेल्स दिए हैं वो बैंक के जो अथॉरिटीज़ है उनके भी डिजिटल सिग्नेचर, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके भी डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो वहाँ पे होने ज़रूरी रहते हैं, और इसी को कहा जाता है थर्ड पार्टी डिजिटल सिग्नेचर। In certain cases, certification from the CAS or CA or CWA in practice is also required to authenticate the particulars contained in the e-form. देखिए हमने यहाँ पे भी देखा था incorporation of a company में कि ये उन्होंने certify करके देना जरूरी होता है। तो कौन certify करके देता है कि जो भी form में contents दिए हुए हैं वो authenticated है, तो उसके लिए authorized person एक तो company सेक्रेटरी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, या तो CWA जो कि प्रैक्टिस में है, यानी एज ए प्रोफेशनल करके वो अपनी साइन वहाँ पे पुट करते हैं। देर आर बिल्ट इन फैसिलिटीज टू चेक द फील्ड इन ई फॉर्म फॉर रिक्विजिट वैलिडेशन, टू डू प्री स्क्रूटिनी एंड टू मॉडिफाई द ई फॉर्म व्हेन द सेम इज रिक्वायर्ड टू बी रिसबमिटेड। देखिए जैसे बिल्ट इन फैसिलिटी से ही दी गई है आपको वहाँ पे, जब आप ई फॉर्म को भरते हो तो रिक्विजिट वैलिडेशंस यानी क्या है कि वैलिडेट करते हैं, स्क्रूटिनी हो जाती है, जैसे कि मैंने कहा एक इवन दो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको फिर से वो कहते हैं कि आपने जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है वो फिर से बैंक अकाउंट नंबर डालिए, अगर उसमें कोई डिफरेंशिएशन यानी डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो फिर क्या कहते हो कि नहीं आपने जो दिया हुआ है वो गलत है, आप फिर से चेक कीजिए, यानी वही के वही उसकी क्या हो जाती है वैलिडेशन वो हो जाता है, और आप उसे यानी फिर से क्या करते हो मॉडिफाई करते हो, और या तो रिसबमिशन का भी आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है।
देन व्हेन द सबमिटेड बटन इज प्रेस्ड, अभी आपको पूरा ये दिया है कि आपने चेक किया है, आपको फिर से बैक जाना है, आप फिर से उसे सबमिट करना चाहते हैं वो देख लीजिए, लेकिन फिर जब आप सबमिटेड बटन को प्रेस करते हो तो ये क्या हो जाता है, वहाँ पे अपलोड हो जाता है, फिर आपको उसे फिर से बैक लाना और फिर से सबमिट करना पॉसिबल नहीं होता है। When the submitted button is pressed, the e-form gets uploaded into the MCA Central Document Repository. उनके पास वो क्या हो जाता है, repository के पास upload हो जाता है। Thereafter, the requisite fees as applicable for the e-form should be paid either online or offline. Form भर दिया है, अभी आपको उसके requisite fees भी देनी है जो कि उस particular form के लिए applicable होगी, वो भी आप online भी दे सकते हैं या तो offline भी भर सकते हो। Once the e-form has been accepted and payment of fees has been acknowledged, a work item is created and assigned to the appropriate MCA employee based on predefined assignments rules as part of MCA back office workflow automation. एक बार वो एक्सेप्ट हो गया, आपकी पेमेंट फीस हो गई, तो MCA के जो employees है जिनको जो वर्क असाइन किया गया है उनके पास वो आते हैं चेकिंग के लिए। फिर इन केस ऑफ एन ई फॉर्म द अथराइज्ड ऑफिसर अफेक्स हिज और हर डिजिटल सिग्नेचर फॉर रजिस्टरिंग अप्रूविंग रिजेक्टिंग द सेम, जैसे उनके पास गए हैं तो अथराइज्ड ऑफिसर अभी क्या करेंगे, उनके डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे अफिक्स करेंगे, ठीक है, तो वो उसके रजिस्टर करेंगे या तो उसको अप्रूवल करेंगे या तो उसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं एज द केस मे बी। And after the processing of the e-form, an acknowledgement email is sent to the user regarding its approval or rejection. अब ये प्रोसेस हो जाता है e-form पूरा और फिर उसकी acknowledgement भेजी जाती है या वो अप्रूव हुआ है या तो अपने जो application दी है अप्रूव हुई है या तो रिजेक्ट हुई है, तो this is the procedure of e-file. ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप कभी भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके।